हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं नए साल में कुछ खास मीठा, जिसे आप उपलब्ध घर में रखी हुई सामग्रियों से आसानी से बना सकते हैं। और ये जो खास मीठा है, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊँ, ताकि आप उसे अपने घर पर आसानी से बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आप पूरा देखिएगा, ताकि आप अपने घर एकदम परफेक्ट कुछ खास मीठा बना सके। तो चलिए दोस्तों, हम मीठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसमें हमने नाप से 1 कप देसी घी डाल दिया है, और जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए, तब उसी कप से नाप से हमें इसमें गेहूँ का आटा अच्छी तरह से छान कर डाल देना है। और गैस की आँच हमें इस समय मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे हमें इस घी के अंदर गेहूं के आटे को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक हमारा आटा गोल्डन ब्राउन न हो जाए, तब तक हमें इस आटे को अच्छी तरह से भूनते रहना है। गैस की आंच आप फास्ट मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारा आटा है भूनते वक्त जल जाएंगे। इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि गैस की आंच आप मीडियम ही रखिएगा, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो नीचे तली में जो आटा जल सकते हैं, इसलिए हमें इस आटे को लगातार चलाते रहना है, जब तक कि हमारा आटा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन न हो जाए। आप देख सकते हैं आटा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लेकिन अभी इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। हम जितना आटा को भूनेंगे ना, हमारा खास मीठा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं घी कैसे मेल्ट होने लगा है आटे को भूनते समय। अब हमारा आटा अच्छी तरह भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम 1 कप इसमें शुगर डाल देंगे। हमने जो कप नाप से आटा और देसी घी लिया था, वही कप से नाप से हमने शुगर लिया है। आपको शुगर कम ज़्यादा पसंद है तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम वही कप के नाप से इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है, और गैस की आँच हमने मीडियम ही रखी है। मीडियम आँच पर हमें इसे अच्छी तरह मिलाते रहना है। और इसमें हमने 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है, और इलायची के पाउडर को भी हम आटे के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। आप देख सकते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, हम ये खास मीठा जो बना रहे हैं, इसमें से बहुत ही अच्छी धीमी धीमी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं, ये जो हमारा खास मीठा है लगभग हो ही गया है। इसने कढ़ाई को अच्छी तरह से छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस खास मीठे को हम प्लेट में निकाल देंगे और इसे सर्व कर देंगे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये खास मीठा क्या है। ये खास मीठा आपके लिए आटे का हलवा है। अब इस आटे के हलवे पे हम बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स काट के डाल देंगे। हमने यहाँ काजू बादाम पिस्ते को बारीक बारीक काट के डाल दिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है, आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखने में हमारा हलवा बहुत ही शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसे अभी ऐसे ही खा ले। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप ये हलवा अपने घर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके आटे का हलवा कैसे हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये खास आटे का हलवा खानी है तो अपने घर बनानी पड़ेगी। तो आप अपने घर ये आटे का हलवा बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।